वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों ही एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन हैं। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है भाई। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में किसके इक्वल बोला भाई, 3x² प्लस में 15x प्लस का 5, देन फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ 3.02 इज, ये हमारे पास ऑप्शन दे दिए भाई। तो यहाँ पर जो जो आपके पास गिवन है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। यहाँ से x क्या हो जाएगा 3 और डेल एक्स क्या हो जाएगा भाई 0.02, क्योंकि इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 प्लस में 0.02, तो ये एक्स हो गया और ये हो गया हमारे पास डेल एक्स। अब तो आपको पता ही है क्या करना है, डेल वाई किसके इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स। अब एक्स प्लस में डेल एक्स किसके इक्वल है भाई, देखो 3.02, इन दोनों को एड करोगे तो यही आएगा ना, तो एफ ऑफ 3.02 और f ऑफ x, x क्या है 3। अब 3 किस चीज में रखना है, यहाँ पर x जगह पर रखना है भाई, क्लियर। यहाँ पर रखते हैं x जगह पर 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम रखते हैं x की जगह पर 3, तो 15 3 जा 45 प्लस में 45 और प्लस में आ जाएगा 5, इसको सोल्व करो अंदर आ जाएगा आपके पास 77, बार क्या है f ऑफ 3.02 है, तो ये माइनस का 77 साइड जाके प्लस का, तो डेल वाई प्लस में 77 इक्वल्स टू में एफ ऑफ 3.02, ये बन गई आपके पास इक्वेशन। अब इक्वेशन बनने के बाद हमें पता होता था कि डेल वाई ऑल्सो इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू में डेल एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन किस चीज़ का करना हमने, इस चीज़ का, क्योंकि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है तो वाई के भी इक्वल होगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स करते हैं 3x² x² का हो जाएगा 2x, 3 आगे है तो 3 2 6 तो यहाँ से आ जाएगा 6x, प्लस में 15x का हो जाएगा प्लस का 15, इंटू में डेल एक्स भी है, डेल एक्स है आपके पास 0.02, एक्स की जगह पर हमें क्या रखना है 3, तो आ जाएगा 6 3 जा 18 प्लस में 15 इंटू में है 0.02, 18 प्लस में 15 33 इंटू में 0.02, 33 के आप 0.02 के साथ प्रोडक्ट करोगे तो आ जाएगा 0.66, डेल वाई आ गया आपके पास 0.66। तो पुट कर दो, पुट डेल वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट वही, तो इक्वेशन फर्स्ट ये है आपके पास, डेल वाई की जगह पर हमें क्या रखना है 0.66 प्लस में है 77 इक्वल्स टू में है एफ ऑफ 3.02। इस चीज़ की हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 77.66 इक्वल्स टू में एफ ऑफ 3.02 आंसर। ऑप्शन देख लो आप कौन सा मिलेगा, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। पहले पार्ट में 15th क्वेश्चन ऐसे कर रखे हैं हमने, वहाँ से आपको अच्छे से आ गए होंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होना चाहिए आपके लिए। एक बार फिर से आप देख सकते हो, यहाँ पर नोट कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला था, अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 3%। इंक्रीजिंग बोला भाई, डिक्रीजिंग नहीं बोला, डिक्रीजिंग होता तो माइनस लग जाता, इसमें क्या बोल दिया इंक्रीजिंग। तो देखो हमें फाइंड क्या करना है, डेल वी यानी कि अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। अब डेल वी आपको पता है किसके इक्वल होगा, डी वी अपॉन में, अब विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा 3% ऑफ इट साइड यानी कि एक्स है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होएगा इनटू में आएगा डेल एक्स। अब डी वी अपॉन में डी एक्स, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x². मैं यहाँ पर डायरेक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन है भाई, आप एक बार फिर से देख लो कोई बात नहीं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आ गया 3x², तो एक चीज तो आ गई। और डेल एक्स क्या बोला इसने 3% ऑफ इट साइड यानी कि 3% ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 3/100 ऑफ एक्स यानी कि 0.03 ऑफ एक्स, यहाँ पे इंटू में आ जाएगा 0.03 और इंटू में एक्स, इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.09 और x² यहाँ पर है, एक एक्स यहाँ पर है x³। आंसर देखो आप x³ मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है डेल भी फाइंड किया है वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। दोनों ही आपके पास मल्टीपल टाइप क्वेश्चन थे, स्किप नहीं करने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक बार फिर से आप इनको रिवाइज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करके रखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।